हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और फ्लेवरफुल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप एनी टाइम एंजॉय कर सकते हैं और इन्हें बनाकर 15-20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं एक कटोरी के नाप से सूजी ले लूंगी। तो ये बड़ी सूजी है, आप चाहे तो छोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक कटोरी टोमेटो की प्यूरी डाल दूंगी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी, उसी कटोरी से हमने टोमेटो प्यूरी का भी नाप लिया है। अब हम इसमें चाट मसाला, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक और सफ़ेद तेल, इन सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें सेम कटोरी के नाप से गेहूं का आटा डाल देंगे, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तेल या घी का मोयन भी डाल सकते हैं, जिससे टोमेटो स्टिक और भी ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो हमने इसका डो तैयार कर लिया है, जो रोटी के डो से हल्का टाइट लगाना है। अब इसे 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे सूजी अच्छे से गल जाए, और 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए, आटा अच्छे से गल गया है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो हम इसे एक बार और अच्छे से नीड कर लेंगे, और नीड करने के बाद हम इसकी बड़ी सी लुई तैयार कर लेंगे, ऐसे हाथों से अच्छे से गोल करके। आप चाहे तो इससे छोटी लोई भी बना सकते हैं। अब हम इस पे सूखा आटा लगाकर इसे हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, और फिर इसे रोटी जैसा हम पतला सा बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटी छोटी पूरियां बनाकर मटरी के जैसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से पतला सा बेल लिया है, और अब हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप दे सकते हैं, या फिर इसे आप रैंडमली भी कट कर सकते हैं, डायमंड शेप या रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। बच्चों को नए नए डिफरेंट डिफरेंट शेप पसंद आते हैं, तो आप उनको हर बार कोई नया शेप में बना कर देंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे और झट से फिनिश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लंबे लंबे स्टिक में कट कर लिया है। अब हम गैस पर ऑयल रख लेंगे कढ़ाई में, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ये स्टिक डाल देंगे, और इसे मीडियम हॉट ऑयल पर हम फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, हम इसे अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम हो, हाई फ्लेम नहीं रखना है, वरना स्टिक जल सकती है। तो करीबन 3 मिनट के अंदर ही देखो, हमारी स्टिक अच्छे से गोल्डन हो गई है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी स्टिक को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर 15-20 दिन तक स्टोर कर सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इन्हें आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकती हैं, या फिर सॉस, मेयोनीज या ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।